उनका कोऑर्डिनेशन कांग्रेस से नहीं जमा होगा, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ओवैसी ये चुनाव जीतने के लिए नहीं आते, ये लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। आप इसकी इनकी हिस्ट्री देख लो, जहाँ कहीं भी चुनाव होता है वहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, पहले तो अगली पार्टी से वो लोग एक पैकेज बात करते हैं, अगर वो पैकेज नहीं सेट होता है तो तुरंत वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा करते हैं। ये पब्लिक में आ चुका है कि ओवैसी सिर्फ एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। अभी कुछ ही दिन पहले 6 आतंकवादी पकड़े गए हैदराबाद में, एक आतंकवादी उनके कॉलेज का एक प्रोफेसर निकला, यानी ओवैसी की पार्टी ओवैसी आतंक की समर्थन है, आतंकवादियों को शरण देने वाले लोग हैं। और ऐसे आतंकवादी सोच रखने वाले अगर राजस्थान की पवित्र धरती पर पैर रखते हैं तो ये जनता को डिसाइड करना है कि इनको पैर रखने देना है या नहीं रखने देना है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? देखिए, बागेश्वर धाम जी के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं और हमारा पूर्ण रूप से उनका समर्थन रहेगा। और आज की सभा में उस सब्जेक्ट पे भी बात किया जाएगा, तो आप सबसे निवेदन है कि आज सभा को भी अगर आप आएंगे तो आपको और बहुत सारा मेटेरियल सुनने को मिलेगा और कवरेज के लिए मिलेगा।